हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम वीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। यहाँ पर हमारी ओम त्यागी फिजिक्स क्लासेस चल रही है, जिसमें हम चैप्टर कवर करा रहे हैं बच्चों को। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो मैंने लिंक दिए हैं उन पर आप क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिंक दे रखे हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आगे के वीडियो उन्हें मिलते रहें और आपकी घर बैठे फ्री में तैयारी होती रहे। आप जानते हैं कोरोना के माहौल में इस समय ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है, तो आपको विदाउट कॉस्ट आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना कोर्स पूरा कीजिए। थोड़ा सा रह गया है। जैसे हमने कल बताया था कि प्रक्षेप गति हो रही थी, अब जैसे हम किसी को कैच दे रहे हैं, कैच खेल रहे हैं, है ना। तो जब हम बॉल यहाँ से फेंकते हैं इस तरीके से यूं कैच के लिए, तो दूसरे वाले प्लेयर के हाथ में पहुंचेगी गेंद, तो कितना टाइम लग जाएगा वो टाइम निकालना, उस टाइम को कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम, समझ गए। जैसे हम कोई तीर छोड़े हैं, तीर की प्रक्षेप गति होती है तीर की भी, ठीक है। अगर तोप से पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो गोले छोड़े जाते थे, तो उनकी भी क्या होती थी? प्रक्षेप गति होती थी, ठीक है। तो जब यहाँ से कोई वस्तु ऐसे करके जा रही है और यहाँ धरती पर गिर रही है, तो जितने समय वो वस्तु हवा में रह रही है, समझ गए, यहाँ से छोड़ दी और गिरने से पहले वो कहाँ है? हवा में ही तो है। तो जितनी देर तक वो हवा में यात्रा कर रही है वो पूरा का पूरा समय उसका फ्लाइट टाइम कहलाता है। फ्लाइट टाइम यानी कि उड्डयन काल, समझ गए। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इतने वेग से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, इतने डिग्री के एंगल पर फेंक रहे हैं, उसका उड्डयन काल बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। उड्डयन काल समझाते हैं। उड्डयन काल इंग्लिश में जिसे कहते हैं फ्लाइट टाइम। ये चित्र मैं बना रहा हूँ, तुम लोगों का बना हुआ है कल का, ठीक है। ये यू एक सामने वस्तु को फेंका था, इस तरफ ले जाने वाला यू एक्स है और इस तरफ ऊपर ले जाने वाला यू वाई। यहाँ पर जाके यू वाई जीरो हो जाता है, ऊपर जाने वाला वेग जीरो, समझ गए। ये पता था तुम लोगों को। तो बेटा ये ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, एच है। कितनी ऊंचाई है? एच है, ठीक है। ये जो एच मैक्सिमम है, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर यू कितना हो जा रहा है? जीरो हो गया है। यू वाई कितना हो रहा है? जीरो। जब ऊपर ले जा रहे हैं तो देखो फ्लाइट टाइम क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इतनी ऊंचाई तक जाने में लगा समय, पर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा समय, वही तो फ्लाइट टाइम है। यस सर। पूरी यहाँ से यूँ जा रही है, ऐसे करके यूँ आ रही है, समझ गए। तो इतना ऊपर चढ़ने में लगा समय, उतरने में लगा समय। तो सीधी सी बात है, जितना ऊंचाई तक जाने में समय लगता है उतना ही ऊंचाई से नीचे आने में समय लगता है। जैसे इस मार्कर को हम ऊपर फेंकें इस तरीके से, तो जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं कितना समय लग गया हमें? टी वन समय लग गया। कितना लग गया? टी वन, या स्मॉल टी लग गया। कितना लग गया? टी वन, ठीक है। कितना लगा? टी समय लगा। तो उतरने में भी कितना समय लगेगा? अरे भाई टी ही लगेगा, समय तो टी ही लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का टी। और हवा का टोटल, हवा में रहने वाला टाइम कितना हो जाएगा उड्डयन काल? ये वाला टी और ये वाला टी दोनों मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? टू टी। और वो टू टी हमारा क्या कहलाएगा? उड्डयन काल। बस समझ में आ गई है? आ गई ना। देखो ऊंचाई का मतलब है पूरी जो उच्चतम ऊंचाई है इसकी, वो महत्तम ऊंचाई पर यू वाई बराबर जीरो, यू वाई बराबर जीरो, ठीक है। और प्रारंभ की भी, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग U बराबर हमारा काम करेगा ये UY, क्या है ये UY? UY और UY को हम क्या कहते हैं? UY को हम कहते हैं U sin theta, यानी कि U हमारा क्या, UY काम क्या करता है? U sin theta, ये मैं तुम्हें लिखा चुका हूँ, ठीक है। हम जानते हैं UY बराबर होता है U sin
मीटर है, ठीक है। और अंतिम वेव में तब ऊंचाई पर यू वाई जीरो है, तो यहाँ से चले तब कितना वेग है यू, प्रारंभिक वेग को कहते हैं यू, अंतिम वेग को कहते हैं वी। तुम लोगों को पता है ना, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं और अंतिम वेग को कहते हैं वी। तो यहाँ से यहाँ तक की गति के लिए प्रारंभिक वेग कौन सा होगा जो यहाँ से चलेगी, और अंतिम वेग कौन सा होगा जो यहाँ पे खत्म होगा गति पर। तो हमारे लिए अंतिम वेग, अंतिम वेग हमारा हो जाएगा वी। वी बराबर कितना है यू वाई, अंतिम वेग क्या है यू वाई, समझ गए ना। प्रारंभिक वेग यहाँ का वेग है और अंतिम वेग यहाँ का वेग है। तो गति के पहले समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से आगे पर करो, किसको गति का प्रथम समीकरण पता है? x बराबर u प्लस at, नहीं v बराबर u प्लस at, समझ गए। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हाथों पर किया था, ठीक है। जब नहीं पता हो तो बच तो जाएंगे कम से कम, समझ गए, लेकिन गलती बता दिया। बाद में बच्चों ने सही बताया है बी बराबर यू प्लस, ये गति का प्रथम समीकरण है, समझ गए। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, जब गति ऊपर और नीचे होती है बेटा, जब गति ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है तो एक जगह क्या काम करता है जी, जी क्या काम करता है गुरुत्वाकर्षण, समझ गए। अब ये गति किधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, गति ऊपर की ओर हो रही है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा माइनस, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। हाँ। तो बेटा वी, ये तो वी डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं जीरो, समझ गए ना। अंतिम वेग क्या हो गया यू वाई बराबर, यहाँ पे देख लो जीरो, और प्रारंभिक वेग यू वाई है माइनस जी जी टी। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको, जी टी को इधर ले आए तो जी टी बराबर क्या हो जाएगा जीटी बराबर यू वाई रह जाएगा, और यू वाई की वैल्यू तुम जानते हो जीटी बराबर यू साइन थीटा, तो टी बराबर क्या कह सकते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी, बिल्कुल समझ गए। अब हम कहें कि उड्डयन काल, उड्डयन काल, तो उड्डयन काल बराबर हो जाएगा कैपिटल टी बराबर टी प्लस टी, आने में और जाने में लगा समय तो टी बराबर कितना हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा टी की वैल्यू रख दो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले से डायरेक्ट तुम लोग क्या निकाल पाओगे, टाइम का निकाल पाओगे, यानी फ्लाइट टाइम निकाल सकते हो। अगर बोल दिया जाए कि 45 डिग्री के एंगल पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, प्रक्षेप गति करा रहे हैं, तो उसका उड्डयन काल ज्ञात कीजिए। दो ही चीजों में आंसर आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड थीटा मिल गया, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई का मतलब यहाँ पर इस ऊंचाई से है, देखो लिखेंगे, देखो समझो समझो समझो, जब हम प्रक्षेप गति कराते हैं किसी भी पार्टिकल को या किसी वस्तु को, जैसे हमने ये बॉल फेंकी, तो बॉल की ऊंचाई देखो यहाँ पर इतनी है, ये रही, ये भी एक ऊंचाई है, जब यहाँ पर पहुंचेगी तो ये भी एक ऊंचाई है, ये भी एक ऊंचाई है, और ये भी ऊंचाई है, समझ गए कि इतनी सारी ऊंचाइयाँ हैं, पहले कम ऊंची फिर ज्यादा ऊंची, और ऐसे ऊपर ज्यादा जा रही है तो ऊंचाई बढ़ जाएगी। महत्तम का मतलब होता है उच्चतम ऊंचाई, सबसे ऊंचाई कहाँ तक बढ़ी, समझ गए। तो प्रक्षेप गति में और प्रक्षेप की जो उच्चतम ऊंचाई होती है उसे प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं, समझ गए, जो उच्चतम ऊंचाई होती है उसे ही प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहते हैं। तो हम जानते हैं इसे निकालने के लिए यू वाई बराबर जीरो, यानी कि वी बराबर जीरो हो गया हमारा, और प्रारंभिक वेग हमारा पता ही है तुम्हें क्या है यू वाई, यू बराबर है यू वाई, और यू वाई को हम कहते हैं यू साइन थीटा, तुम लोग जानते हैं, समझ गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा अंतिम वेग यहाँ पे क्या है, देखो अंतिम वेग जी बराबर क्या है जीरो, ऊंचाई महत्तम ऊंचाई कितनी है महत्तम ऊंचाई, ऊंचाई कितनी तय कर लिया मान लेते हैं h तय कर लिया, इसने कितनी तय कर लिया h, ठीक है, प्रक्षेप की ऊंचाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से जिन बच्चों को याद है वो केवल हाथ ऊपर कर रहे हैं, गति के तृतीय समीकरण से तीसरा समीकरण याद है बता लिया। बात सही, समीकरण सही है, बस ऊर्ध्वाधर गति है ना, अब यहाँ पे माइनस लगता है, कोई बात नहीं है, सही है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने करेक्ट बोल दिया कि जो माइनस में ही लगने वाला है। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच, एक ही जगह यहाँ पे क्या लगेगा जी, क्योंकि गति ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी, ठीक है। तो से ये सूत्र है भैया, तो यू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जीरो, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर की यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कह सकते हैं सीधे माइनस के टू जी एच, तो टू जी एच इधर आ जाएंगे, एच बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये क्या हो गई प्रक्षेप की ऊंचाई हो गई, ये क्या होगी प्रक्षेप की ऊंचाई, इस महत्तम को अभी वर्ड को निकाल दो, क्या ये प्रक्षेप की अन्य ऊंचाई है, उच्चतम ऊंचाई, ये क्या ऊंचाई होगी थीटा डिग्री पे, अगर हम कह दें प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई, अगर महत्तम ऊंचाई की बात करें तो थीटा बराबर के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो एच बराबर फॉर्मूला बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी डायरेक्ट, सब वो नहीं हो यार, इसको हम बोलेंगे एच मैक्सिमम, ठीक है। ये क्या है एच मैक्सिमम है, जो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा साइन 90 वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर अपॉन टू। देखो प्रक्षेप का परास का मतलब है कि क्षैतिज दिशा में कोई वस्तु जितनी दूरी तय कर रही है वो प्रक्षेप का परास कहलाएगी, जैसे हमने फेंका वस्तु को इस तरीके से ऐसे करके यहाँ जा रही है वस्तु, तो इसमें ये देखो ऊंचाई तो आई गई, हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली, लेकिन यहाँ से जाके वहाँ पर यहाँ इस जगह गिरी है ना, तो ये सीधी रेखा में कितनी दूरी तय करी है ये इसकी रेंज कहलाएगी, यानी परास कहलाएगी, बात समझ में आ गई है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस रॉकेट की रेंज ये है, उस मिसाइल की रेंज ये है, तो रेंज का मतलब क्या है कि वो यहाँ से कहाँ तक मार कर पा रही है वो रेंज, समझ गए कि नहीं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस तरीके से। तो यहाँ पर रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा तुम लोग जानते ही हो कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, इसका मतलब है क्षैतिज परास, ये क्या है क्षैतिज परास है, क्षैतिज दिशा में होता है, जो एक्स अक्ष की दिशा में होता है उसे क्षैतिज कहते हैं, ठीक है, और जो वाई अक्ष की दिशा में होता है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, तो क्षैतिज परास बराबर फॉर्मूला होता है यू एक्स इंटू टी, ये फॉर्मूला दिया है क्षैतिज परास, हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर यू एक्स का मतलब क्या होता है थीटा इंटू टी का मतलब क्या होता है 2u sin theta upon 2 अभी तो बेटा r बराबर तुम लोग जानते हो 2u square ऐसे कह सकते हैं 2 sin theta cos theta, अब तुम लोग जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है theta का, बिल्कुल 2 sin theta तो sin 2 theta का हो जाएगा u square sin 2 थीटा अपॉन, बात समझ में आ गई होगी, समझ गए कि नहीं, ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका रेंज का। अब महत्तम परास आ जाए, पूछ ले क्या पूछ ले, महत्तम परास बताइए प्रक्षेप का महत्तम परास, तो महत्तम परास के लिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 45, क्यों होगा 45 क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन में 90 की वैल्यू जो 1 है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यू है, बाकी वैल्यू सब छोटी है 1 से, 1 से छोटी है, यहां पे 90 लगाया था, बता रहा हूँ उस रीजन को भी, यहाँ थीटा कितना है बेटा 2 थीटा है, 45 दूनी 90 आ गया 90, वहां पे थीटा ही था तो थीटा तो 90 ही लेना था, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा sin 90 वैल्यू 1 u स्क्वायर अपॉन g, अब देखो कितना सा अंतर है, ये तुम्हें ध्यान रखना है r max का और h max का, h max का था u स्क्वायर अपॉन 2g, r max का क्या है